न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में खराब कुव्यवस्था के साथ पत्रकारों पर हमला भी बढ़ता जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला स्क्रॉल की एडिटर इन चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा का है, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR दर्ज किया है। इन्हीं पत्रकारों के पर होने वाले हमलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, जिनका पत्रकारिता की दुनिया में 43 साल का अनुभव है और वह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वरिष्ठ बुद्धिजीवी और इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि आज के समय की जो पत्रकारिता है उसे औपनिवेशिक काल के समय जिस तरह पत्रकारिता को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था वैसा सामना करना पड़ रहा है, और आपातकाल के समय जिस तरह का सामना पत्रकारिता ने किया था वैसा सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? धन्यवाद अजय, आपने ये सवाल हमें पूछा और मैं बिल्कुल रामचंद्र गुहा के साथ 100% सहमत हूं। लग रहा है हमें कि हम लोग वापस चलेंगे वो आपातकालीन इंदिरा गांधी जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, जून 1975 से लगभग जनवरी 77 तक ये स्थिति था कि बहुत सारे पत्रकार को इंदिरा गांधी का प्रशासन, उनका सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया था, कारागार के पीछे थे इन लोग। और फर्क है कि आज शायद इतने पत्रकार जेल के अंदर नहीं है, मगर बहुत सारे का पत्रकार है जिसके खिलाफ आप जैसे कहा इनको हैरान किया गया। एक दिल्ली का एक गैर सरकारी एक संस्था है राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, वो 15 जून एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें नाम करके दिखाया और ये 55 पत्रकार जिसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी का खिलाफ कोई कारण दिखाओ नोटिस, किसी को मार डाला कोई गुंडा ने, किसी का संपत्ति नष्ट किया गया। और इसमें मैं आपको कहूं कि इसमें वो सुप्रिया शर्मा और नरेश फर्नांडिस भी नहीं है, इसमें विनोद दुआ भी नहीं है, और भी इसके बाद भी और हुआ, तो लगभग 25 मार्च से आज तक कम से कम 60 पत्रकार का खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ने किया। और ये जो 55 जो पत्रकार जिसका नाम ये रिपोर्ट में है, इसमें 11 लोग थे उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में 6, छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश वहां पे 5 ऐसा उदाहरण है। और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी जहां पे शासन कर रहे ऐसा राज्य नहीं, अलग राज्य में भी यही स्थिति है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य में ऐसे 4, हर राज्य में 4 ऐसे उदाहरण है पत्रकार का खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई किसी ने ना कुछ, कोई ने पर प्रशासन या कोई अदालत ने कुछ ना कुछ कार्रवाई किया। 2 उदाहरण है पंजाब जैसे राज्य, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, और 1 ऐसे उदाहरण है अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, नागालैंड, तेलंगाना, मतलब पूरा भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि ये हुआ। देखिए, जो भी सरकार में है, जो भी सत्ते में है, वो नहीं चाहते कि पत्रकार सचमुच उनका टिप्पणी करे, आलोचना करे, मगर फर्क क्या है, जैसे इंदिरा गांधी का आपातकालीन समय में सरकार था, मोदी सरकार पिछले 6 साल में हम देख रहे हैं वो जो भी पत्रकार उनका आलोचना करते हैं पसंद नहीं करते, एक तरह से एक असहनशीलता दिखा रहे सरकार में जो है, सत्य में जो है। और सिर्फ इनटॉलरेंस नहीं, ये सिर्फ असहनशीलता भी नहीं है, एक तरह से वो विंडिक्टिव भी जबरदस्त है, जो बदला लेने का भावना है। और हम देख रहे देखिए, मोदी जी खुद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जो जहां पे कोई भी सवाल कोई भी उठा सकते हैं, उन्होंने चुन के कुछ पत्रकारों को उनको साक्षात्कार दिया, जो अच्छे अच्छे सवाल पूछा, और ऐसे लोगों को भी जो हमारे कनाडा का नागरिक अक्षय कुमार का भी वो साक्षात्कार मिला, जो उनसे ये भी सवाल उठाया आप कौन सा आम पसंद करते हैं, कौन सा आम खाते हैं। मगर बात और कुछ है, आज पूरा जो माहौल हो गया, जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है,
ये हमारे इंडियन पीनल कोड का ही है, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड है, जो मानहानि का जो जो कानून है, ये सारे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? जो सरकार में, जो प्रशासन चला रहे हैं। तो दुख की बात है कि ये सरकार और हर सरकार बड़े बड़े बात करते हैं कि हाँ हम अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, एक भी है कुछ भी हम कहें कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ युक्तिगत प्रतिबंधन भी है जो 19(2) में हमारे संविधान में लिखा है। मगर जैसे मैंने पहले कहा, सचमुच ये सरकार एकदम असहनशीलता, एकदम असहनशील है और एकदम बदला लेने का भावना है। इंदिरा गांधी जेल के अंदर डाल दिया, आज हम देख रहे आर्थिक तरह से एक एक मीडिया संस्था के ऊपर किस तरह से एक तरह से उसको निचोड़ दिया। और इन लोग, ये पूरा विश्व में हो रहे, इंटरनेट के युग में हो रहे, विज्ञापन दाता इतने पैसे खर्च नहीं कर रहे, कोविड के बाद और भी कम हो गया। और इसके मतलब क्या है कि सरकारी विज्ञापन के ऊपर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं अभी मीडिया संस्थाएं, और फिर सरकार जो कह रहे हैं उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, और पत्रकार, और पत्रकार नहीं रहा, बन गया विज्ञापन एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव या प्रवक्ता या पब्लिक रिलेशंस, कोई जनसंपर्क का अफसर बन गया। तो सचमुच पत्रकार का क्या काम है? जो भी सत्य थे उसको सवाल उठाइए, कठिन सवाल उठाइए, सख्त सवाल उठाइए। और आप जो हम कहते हैं होल्ड ट्रूथ टू पावर, जो भी सत्य में है उनका दिखाइए सत्य क्या है। और ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ अच्छा है, अगर लोकतंत्र में जो भी सरकार का कमियां है, कहीं भी कमियां है, अगर सरकार के पास ये सूचना नहीं पहुंचता है तो प्रशासन कैसे सुधरेंगे? हम देख रहे कोविड के बाद क्या हो गया, आज सरकार किसी के बात क्या सुनने नहीं चाहते हैं। और जो भी आप, और जो पत्रकार आप कुछ कह रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, जो आप उनको पसंद नहीं करते, वो देशद्रोही बन जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही कि इतने बड़े देश में अगर पत्रकारिता होगी तभी यह पता चलेगा कि प्रशासन की कमियां कहां पर हैं, और इसमें प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा। जैसे हो सकता था कि इसको इस तरीके से लिया जाता सुप्रिया शर्मा के मामले में, कि उस डोमरी गांव में क्या दिक्कतें हैं, उसको ठीक किया जाए, उसको ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं लिया गया, उसके खिलाफ दूसरे तरीके से कार्यवाही की गई। यही लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर भी होता है। इसी से एक दूसरा सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा माहौल है, तो इसमें एक पत्रकार पत्रकारिता कैसे कर पाएगा? वो तो पूरी तरीके से डर जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी देखिए, जब जितने बड़े बड़े जो अखबार है, जो मीडिया संस्था है, कितने लोगों को नौकरी से हटा दिया, पता नहीं कितने लोग, 200, 400, 500 हमें मालूम नहीं है। और बहुत सारे पत्रकार को बोला कि आप वेतन कम लीजिए। ये स्थिति हो गया क्योंकि कोविड के बाद लोग अखबार कागज के ऊपर जो भी छपा हुआ है, लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ रहे, अपने स्क्रीन के ऊपर जो भी है यही पढ़ रहे, जो हाथ में आप अपने हाथ में है, मुट्ठी में है या अपने गोदी में है। मगर बात और कुछ है, जितना विज्ञापन कम हो गया उससे ज्यादा लोगों को हटा दिया, क्योंकि ये हमारे जो मीडिया संस्था चला रहे हैं ये अपने मुनाफा कमाने के लिए चाह रहे हैं। हर नागरिक को सूचना देंगे या विज्ञापन दाता को आप एक उपभोक्ता के पास पहुंचेंगे, इसका क्या लक्ष्य है? तो दुख का बात यह है कि अपने आप को अगर आप लोकतंत्र कहेंगे, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आपको लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा कि आप लोकतंत्र हैं? एक है मीडिया लोक माध्यम, और लोक माध्यम में आप अखबार का सुर्खियां कहिए, टेलीविजन का हेडलाइंस में पढ़िए, सुर्खियां पढ़िए, जो भी सरकार में है आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे। एक समय कहना था कि हमारा जो जो पत्रकारिता का क्या काम है, लोकतंत्र अगर मजबूत होगा तो जो भी पत्रकार है उनका काम है सवाल उठाना, जो भी सत्य है वो लोगों के पास प्रकाश। 31 मार्च के दिन हमारे सबसे उच्च न्यायालय में हमारा गृह मंत्रालय के सचिव, हमारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी,
क्या कहा, लिखित रूप में कहा कि एक भी सड़क में एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है, हमारे राजमार्ग में कोई भी नहीं है। एकदम सच नहीं था, आप जानते हैं ये झूठ था, मगर सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा अगर पत्रकार नहीं रहे। हाँ, हमारे पास समय कम है, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि ऐसे समयों पर जो क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं, जो सबसे पहले खबर लाते हैं, उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा उत्पीड़न का मामला आता है, सरकारें उन्हें भी परेशान करती हैं और उनकी आय भी बहुत कम होती है, वो कैसे अपने आप को महसूस करेंगे जब इस तरीके से पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है? क्या वो पत्रकारिता करने के लिए तैयार हो पाएंगे? और अगर माहौल ही ऐसा बना दिया गया है जहां पर कोई भी इस तरह से तैयार नहीं हो पा रहा है कि वो ठीक से पत्रकारिता करने वाला माहौल देख पाए, तो उस माहौल को ठीक कैसे किया जाए? अजय आप बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक, आपने जो जो आपका जो जो विश्लेषण है बिल्कुल ठीक है। देखिए, विनोद दुआ दिल्ली में रहते हैं, सुप्रिया शर्मा रहते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन भी रहते हैं, मगर आप पूरा जो लिस्ट देखिए, जो 60 पत्रकार जिसके ऊपर हमला हुआ, इसमें आप देखेंगे बहुत ऐसे पत्रकार है जो छोटे शहर में है, कई गाँव में है, उनके लिए अपना काम करना बहुत ही खतरनाक हो गया। उसका आर्थिक स्थिति तो एक तो एक वो तो बहुत बड़ा समस्या है। वो बोला भाई तुम पत्रकारिता, तुम स्ट्रिंगर बन गया, तुम पत्रकारिता करो, मगर साथ साथ तुम विज्ञापन एजेंसी, तुम विज्ञापन ये अब हमारे जो भी मीडिया संस्था है इनके लिए आप विज्ञापन भी ले आओ, तो जो विज्ञापन दाता है तो उनके खिलाफ आप नहीं लिखेंगे। जैसे यही हो गया कि हमारे देश में जो हो गया कि हमारे बड़े बड़े जो मीडिया संस्था है, जो एक समय बड़े बड़े विज्ञापन दाता का ऊपर निर्भर करते हैं, कोविड के बाद वो विज्ञापन नहीं मिल रहे तो सरकारी विज्ञापन के ऊपर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। इंटरनेट के युग में यही हो गया, तो सरकार का सिर्फ आप तारीफ ही कर रहे हैं, सरकार का आप कोई आलोचना करने के लिए तैयार नहीं है। और छोटे शहर में जो गाँव में हमारे जो पत्रकार मित्र है उनकी स्थिति और भी खराब है, जो स्थानीय भाषाओं में काम करते हैं, जो जो कोशिश करते हैं अपना काम करना, बहुत ही खतरनाक हो गया। आज वो सचमुच ठीक तरह से पत्रकारिता करना, आर्थिक स्थिति उनका खराब है, एकदम बहुत ही बुरा है, और साथ साथ आपका जान, आपका परिवार के जान के ऊपर जो खतरा है, ये बहुत ही स्थिति है जो हमारे देश के लिए, हमारे आम नागरिक के लिए, ये भारतवर्ष का लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। शुक्रिया इस पर बातचीत करने के लिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब उसमें पत्रकारिता जिंदा है। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।